नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि किसानों के खाते में 31 मई तक आ सकती है 11वीं किस्त। आप भी चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के करीबन 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ताजा अपडेट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली जो 11वीं किस्त है वो 31 मई तक खातों में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई KYC कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसा न करने पर आपकी किस्त नहीं आ पाएगी। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हो, लेकिन अगर परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ परिवार के सदस्य से मतलब पति पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। आपको बता दें कि अगर आपको भी 10वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो आप भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के दूसरे दिन 65% वीडियोग्राफी का सर्वे, आज भी होगा सर्वेक्षण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी का काम रविवार को भी लगातार दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे तक सर्वे का लगभग 65% काम पूरा कर लिया गया और ये सोमवार को भी एक बार फिर से शुरू होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत ने रच दिया इतिहास। पहली बार थॉमस कप पर किया कब्जा। बधाई देते हुए पीएम बोले, पूरा देश उत्साहित। आपको बता दें कि भारत ने खिताबी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को रविवार को 3-0 से हराकर प्रतिष्ठित पुरुष बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप को पहली बार जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ये जीत कई आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में महंगा हुआ CNG, बढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल के भी दाम। आपको बता दें कि CNG से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। देश के कई हिस्सों में CNG के दाम में इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। रविवार से ही CNG के बढ़े हुए दाम लागू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि CNG की कीमतों में बीते एक महीने में इजाफा नहीं किया गया था। अंतिम बार 14 अप्रैल को CNG के दाम बढ़ाए गए थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया है कैंसिल। बिहार, झारखंड और बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर। यहाँ पर आपको बता दें कि क्या आप भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आगे की खबर आपके लिए काम की है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से कुछ ट्रेनों के रूट बदलने जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी है। आपको बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दक्षिणी पूर्व रेलवे के आंध्रा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम चल रहा है। इसके मद्देनजर इस स्टेशन से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में स्थायी बदलाव किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना मामलों में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 2500 से नीचे आए नए मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हर दिन 3000 के करीब जो मामले आ रहे थे, बीते 24 घंटे में अब 2500 से भी कम दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2487 नए कोविड के मामले सामने आए। वहीं 2858 मामले कल आए थे। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते मौतों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान 13 मौतें दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जून से AC खरीदना हो जाएगा महंगा। 4% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। आपको बता दें कि भारत में जून से AC 3-4% महंगा हो जाएगा। चीन में लॉकडाउन और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय रुपए में गिरावट भी मैन्युफैक्चरर को परेशानी में डाल रही है। कई इम्पोर्ट कलपुर्जे काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में भारतीय AC निर्माताओं ने कहा है कि उनके पास उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको बता दें कि AC निर्माताओं कंपनियों ने कहा है कि जून से AC की कीमतों में 3-4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य उपकरणों के लिए भी ऐसा ही होगा। ऐसे में कोविड महामारी के कारण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पहले से ही हर तिमाही में कीमतों में 2-3% की वृद्धि हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं खरीद की प्रक्रिया 31 मई तक बढ़ी। यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी गेहूं किसान को असुविधा ना हो, इसलिए मोदी सरकार ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है। हम कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी इसके लिए काम करते रहेंगे।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन की सीमा पर बढ़ गया खतरा। पाक सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई है भारतीय सेना की 6 डिवीजन। आपको बता दें कि लद्दाख सेक्टर की अपनी हालिया यात्रा में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीनी सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसके लिए भारतीय सेना की 6 डिवीजनों को वहाँ पर भेज दिया गया है, जो वहाँ पर पहले से ही पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। आपको बता दें कि चीन के साथ सैन्य गतिरोध अब 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में फंसे घायल सैनिकों की हालत खराब, निकासी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच जटिल वार्ता। आपको बता दें कि मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री में फंसे करीबन 600 घायल यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी लड़ाकों की निकासी के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही जटिल वार्ता चल रही है। इस वार्ता में बदले में रूसी युद्ध बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कही है। समय बीतने के साथ ही रूसी सेना से घिरे हुए इन घायलों की दशा अब बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के कमांडर की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेनी सैनिकों की आखिरी सांस तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पुतिन ने कहा फिनलैंड का नाटो में शामिल होना गलत फैसला, इससे द्विपक्षीय संबंधों का होगा नुकसान। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड के समकक्ष साउली निनिस्तो से देश की तटस्थ हैसियत को न त्यागने के लिए कहा है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का फैसला गलत है और इससे रूस के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों में नुकसान होगा। पुतिन ने ये बात निनिस्तो से टेलीफोन पर की है। आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति निनिस्तो ने नाटो में शामिल होने की बात कही है। आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि वार्ता निनिस्तो ने पुतिन से कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण को बदल दिया है। कहा है कि फिनलैंड अपने पड़ोसी देश रूस के साथ सही और पेशेवर तरीके वाला संबंध चाहता है, जो स्वतंत्र नीतियों पर आधारित होने चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेनी सेना ने रूस को खार्किव के इलाकों से खदेड़ा, पूर्वी क्षेत्र में भीषण लड़ाई। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूसी सैनिक देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हफ्तों तक हमला करने के बाद उसके आसपास के इलाकों से वापस जा रहे हैं। दूसरी ओर कीव और मास्को के सैनिक देश के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूसी सैनिक उत्तर पूर्वी शहर खार्किव से पीछे हट रहे हैं और अब अपना पूरा ध्यान आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा पर केंद्रित कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भीषण लू की चपेट में दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत देश के कई राज्य, जारी हुआ अलर्ट। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने भीषण लू की चेतावनी जारी करते हुए उत्तर पश्चिम भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट शामिल किया गया है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि हमने राजस्थान के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसी तरह हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी। विदर्भ में भी लू की स्थिति बनी रहेगी और ऐसी स्थिति सोमवार तक जारी रहेगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन होने की उम्मीद है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।